हेलो दोस्तों, जब भी हम किसी रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स में स्ट्रक्चर वर्क की बात करते हैं तो उसमें आपके कलवर्ट्स हैं, आपके माइनर ब्रिजेस हैं, मेजर ब्रिजेस हैं, आपके फ्लाईओवर हैं, अंडरपासेस हैं, रोड ओवर ब्रिज जिसको आप आरओबी बोलते हैं, रोड अंडर ब्रिज जिसको आप आरयूबी बोलते हैं, तो इस तरह के कई स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं और इसमें कई तरह की वॉल आती है। कई तरह की वॉल क्या आती है, जैसे आपने सुना होगा डायफ्राम वॉल या फिर आपका डर्ट वॉल, आपका रिटर्न वॉल, फ्लाई रिटर्न वॉल, आपकी बिंग वॉल, कट ऑफ बॉल और आपकी आरी बॉल, तो इस तरह से कई टाइप की बॉल्स आ रही होती हैं। तो जनाब, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इन सभी बॉल्स में क्या डिफरेंस होता है, चाहे भले वो आपकी डर्ट बॉल हो, चाहे आपकी डायफ्राम बॉल हो या फिर आपकी बिग बॉल हो, आपकी रिटर्न बॉल हो, आपकी आरी बॉल हो, तो इन सब में क्या डिफरेंस होता है, इन सबको हम कहाँ पे यूज करते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है, ये सब मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कम से कम इस सेशन में आप इन सभी बॉल का एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर और एक क्लियर माइंडसेट लेके जा रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन और बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैं आप सभी का रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मेन स्ट्रक्चर की। तो आप मेन स्ट्रक्चर में देखेंगे तो दो तरह की बॉल आपको देखने को मिलेगी, एक आपका डर्ट बॉल होता है और दूसरा आपका डायफ्राम बॉल होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी डायफ्राम बॉल की। तो डायफ्राम बॉल क्या होता है कि जो आपका मेन लॉन्गिट्यूडनल गर्डर होता है, आप देखेंगे जो आपके ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो उसमें हमारा गर्डर आता है। जैसे बिल्डिंग में बीम होता है, उसी तरह से आपके ब्रिजेस में, फ्लाईओवर्स में आपके गर्डर्स आ रहे होते हैं। तो जो आपके मेन लॉन्गिट्यूडनल गर्डर हैं, इन मेन लॉन्गिट्यूडनल गर्डर को सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में हम लोग डायफ्राम बॉल प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप क्रॉस गर्डर के नाम से भी जानते हैं। अब जो आपके मेन गर्डर है वो इस तरह के होते हैं। अब इसके ऊपर से लोड आएगा तो ये ऐसा ऐसा मूवमेंट कर सकता है, तो इसको फिक्स रखने के लिए इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से आपकी डायफ्राम बॉल प्रोवाइड कर देते हैं, जिसको आप क्रॉस गर्डर के नाम से जानते हैं। तो दो तरह का डायफ्राम बॉल होता है, एक आपका एंड डायफ्राम बॉल होता है जो कि एंड टू एंड स्पान आ रहा होता है, और बाकी दूसरा होता है इंटरमीडिएट डायफ्राम बॉल जो कि बीच में आ रहा होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो आपको सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये देखें, ये हमारे क्या मेन गर्डर आ रहे हैं, ये किसी भी ब्रिजेस में, फ्लाईओवर्स में आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ये हमारे मेन गर्डर है। अब ये मेन गर्डर अपनी जगह फिक्स रहे, इनकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने इस तरह से यहाँ पे, आप ये देखेंगे, ये क्रॉस गर्डर प्रोवाइड किया हुआ है। इसी क्रॉस गर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। अगर ये एंड में आ रहा है तो ये आपका एंड डायफ्राम बॉल हो जाएगा, अगर यही चीज़ आपके बीच में आ रही है तो इसी को हम इंटरमीडिएट डायफ्राम बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो आपका एक तरह से एंड डायफ्राम बॉल हो गया, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका खत्म हो रहा है। ये देखेंगे यहाँ पे आपका ये पूरा स्ट्रक्चर आपका खत्म हो रहा है, तो ये देखेंगे ये आपके मेन गर्डर्स हैं और इसको सपोर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे ये आपका एंड डायफ्राम बॉल प्रोवाइड किया हुआ है इस तरह से। और बाकी आप देखेंगे इंटरमीडिएट डायफ्राम बॉल क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्क्रीन पे, ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट डायफ्राम बॉल है। ये देखेंगे ये हमारे मेन गर्डर्स जा रहे हैं, ये सारे हमारे क्या है, मेन गर्डर्स। अब इसको सपोर्ट करने के लिए आप देखेंगे हमने यहाँ पे एक ये बॉल प्रोवाइड किया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट डायफ्राम बॉल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दोनों चीज़ें दिख जाएंगी, आपको एंड डायफ्राम बॉल भी दिख जाएगी और इंटरमीडिएट डायफ्राम बॉल भी दिख जाएगी। आप ये देखेंगे ये जो कोने में दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये आपका एंड डायफ्राम बॉल है, जो कि आपका अबटमेंट कैप के ऊपर या फिर पियर कैप के ऊपर आपके बन रहे होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट डायफ्राम बॉल है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो आपका राइट साइड में ये बन रहा है, ये पियर कैप के ऊपर, तो ये यहाँ पे जो बनेगा ये हमारा क्या है, एंड डायफ्राम बॉल है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है आपकी डर्ट बॉल। तो डर्ट बॉल क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग और एंड में जो हमारा अबटमेंट बनता है, तो अबटमेंट में सबसे पहले हम अबटमेंट का फाउंडेशन बनाते हैं, उसके ऊपर से अबटमेंट की साफ्ट आती है, अबटमेंट का कैप आता है, और अबटमेंट कैप के ऊपर जो आपका पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग डर्ट बॉल, जो कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से ये आपका स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा हमारा क्या है, ये हमारी डर्ट बॉल होती है। ये देखेंगे आप, ये जो पूरा आप अरेंजमेंट देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डर्ट बॉल, DIRT डर्ट बॉल, ये हमारा डर्ट बॉल होता है। अगर आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट इमेज में आपको पक्का चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखेंगे
आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर खत्म होता है और जो आपकी डर्ट बॉल है वो आपकी एंड टू एंड ही आपको देखने को मिलेगी, किसी स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग में या फिर किसी स्ट्रक्चर के एंड में वहीं पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये आपका पूरा ये डर्ट बॉल आ रहा है, ये देखेंगे इस तरह से, ये हमारी डर्ट बॉल है। अब इस डर्ट बॉल का काम क्या होता है, इस डर्ट बॉल का काम कुछ नहीं है, जो पीछे की सॉइल है उसको होल्ड करके रखना है। जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को, चाहे भले वो आपका फ्लाईओवर हो, चाहे भले वो आपके ब्रिजेस हो, उसको हम रोड हाईवे से कनेक्ट करते हैं, तो हमें एक अप्रोच बनानी होती है और उस अप्रोच में आपका सॉइल फिल होता है, तो उसी को होल्ड करने के लिए, उसको रिटेन करने के लिए हम यहाँ पे ये डर्ट बॉल का यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि आपके स्ट्रक्चर के टॉप पोर्शन में आपकी अर्थ को रिटेन कर रही होती है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा डर्ट बॉल है, जो कि आपको एक स्ट्रक्चर में दो देखने को मिल सकती है, स्टार्टिंग और एंड में। आगे चलते हैं, अगर आप इस डर्ट बॉल को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें और सीखने को मिल सकती हैं, आप इस इमेज के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसी डर्ट बॉल के ऊपर ये हमारा क्या आ रहा है, ये हम यहाँ पे ब्रैकेट बना रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या बन रहा है आपका, ये आपका ब्रैकेट बन रहा है, ये ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट क्यों बनती है, क्योंकि इस ब्रैकेट के ऊपर हम लोग एप्रो स्लैब को रेस्ट कराते हैं, इसके ऊपर हमारी एप्रो स्लैब रेस्ट कर रही होती है। और इसके साइड में देखेंगे तो ये हमारा रिटर्न बॉल आ रहा है, ये देखेंगे, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, रिटर्न बॉल है जिसका अभी काम चल रहा है, ये हमारा रिटर्न बॉल है। यहाँ पर आपका ये क्रैश बैरियर का काम चल रहा है, कास्टिंग का। तो इस तरह से चीज़ें देख सकते हैं। अब ये रिटर्न बॉल क्या है, इस पर अभी हम बात करेंगे कि रिटर्न बॉल क्या होता है। इसके नाम से पता चल रहा है, रिटर्न बॉल ऐसा बॉल जो हमारे अबटमेंट से पीछे लौटा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न बॉल। और ये क्या करता है, ये भी आपकी जो अप्रोच की सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको होल्ड करके रखता है, जो कि आप आने वाले समय में देख सकते हैं। तो ये हमारा है रिटर्न बॉल, और रिटर्न बॉल हम किसको बोल रहे हैं, जो आपके अबटमेंट से पीछे लौट आए और जो आपकी हाईवे के, आपके रोड के जो पैरेलल है, उसको हम बोलते हैं रिटर्न बॉल, जो कि पीछे की मिट्टी को होल्ड करने के काम आता है। अब रिटर्न बॉल भी दो तरह का होता है, एक तो आपका नॉर्मल रिटर्न बॉल होता है, एक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है हमारा फ्लाई रिटर्न बॉल, जो कि आपको थोड़ा सा हवा में दिखाई दे रहा होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फ्लाई रिटर्न बॉल बोलते हैं, जो कि आपको कभी कभी अबटमेंट के पीछे देखने को मिल सकता है। अगर चीज़ें आपकी एकदम आपके एम्बैकमेंट, आपके रोड हाईवे के पैरेलल हैं, तो वो आपकी रिटर्न बॉल कहलाती हैं। अगर यही बॉल आपकी पैरेलल ना होके हम एक पर्टिकुलर एंगल यानी 45 डिग्री के एंगल पे प्रोवाइड कर दें, तो उसको हम बोलते हैं बिंग बॉल, जो कि बिंग्स की तरह होती है, उसका भी सेम फंक्शन होता है, जो कि आपकी अप्रोच की सॉइल को होल्ड करने के काम आती है। मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ तो आपको चीज़ें और क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ बॉल आपकी एक पर्टिकुलर एंगल पे हैं, कुछ बॉल आपकी रोड हाईवे के पैरेलल हैं, तो जो रोड हाईवे के पैरेलल हैं वो हमारी क्या है, रिटर्न बॉल है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये देखेंगे ये जो आप बॉल देख रहे हैं, या फिर इसी तरह से इस साइड भी कुछ बॉल बनी होगी, तो इस बॉल को आप देखेंगे ये हमारी क्या है, रिटर्न बॉल है, जो कि पैरेलल टू रोड हाईवे हैं। और जो आप एक पर्टिकुलर एंगल पर देख रहे हैं, जैसे कि आपकी ये है, ये बॉल बनी हुई है, तो इस बॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी बिंग बॉल है, ये हमारा क्या है, ये आपका बिंग बॉल है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा अबटमेंट है, ये आपका पूरा अबटमेंट बनेगा, ये आप इसको डर्ट बॉल बोल सकते हैं एक तरह से, ये हमारी क्या है, डर्ट बॉल है। ये हमारा अप्रोच है, जो कि किसी भी रोड हाईवे एक्सप्रेसवे को आपके स्ट्रक्चर से कनेक्ट करेगा। जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी हम कलवर्ट बना रहे हैं, मेजर ब्रिज बना रहे हैं, या फिर आपका फ्लाईओवर बन रहा है, आर ओ बी बन रहा है, तो उसको हमें रोड हाईवे से कनेक्ट करना होता है, तो उसके लिए पूरा ढलान, एक पूरा अप्रोच बनता है, तो ये उसकी सॉइल है। तो इसी सॉइल को होल्ड करने के लिए हम लोग दोनों साइड आप देखेंगे तो आपको रिटर्न बॉल और आपको बिंग बॉल मिल रही होंगी, जो कि मोस्टली आपको कलवर्ट्स वगैरह में, आपको माइनर ब्रिजेस वगैरह में, मेजर ब्रिजेस वगैरह में, और जो आपके आर ओ बी वगैरह होते हैं उसमें आपको देखने को मिल रही होती हैं। तो और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। ये देखेंगे आपका एक ये मल्टी सेल माइनर ब्रिज है, तो मल्टी सेल माइनर ब्रिज में आप देखेंगे ये हमारा पूरा मेन स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उसके ऊपर से ये आपका पैरापेट बॉल आ रहा है, ताकि किसी का वर्टिकल ड्रॉप ना हो। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये हमारा क्या है, ये आपका बिंग बॉल है, जो कि हम एक पर्टिकुलर एंगल पर बना रहे हैं आपके रोड हाईवे से, ये आपका पूरा बिंग बॉल बना हुआ है, ये देखिए। और इसमें हमारी ये सॉइल है, ये आपकी सॉइल फिल हो जाएगी, और यहीं पे आप देखेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा, ये आपको रिटर्न बॉल देखने को मिलेगी, ये देखेंगे, जो कि आपके पैरेलल टू एम्बैकमेंट होती है, ये आपकी रिटर्न बॉल है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, और इन सब का काम एक ही, बस मिट्टी को रोक के रखना जो पीछे से आ रही है।
तो और भी आप देख सकते हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप देखेंगे किस तरह से जो हमारी सॉइल है उसको होल्ड करने का काम कर रही है हमारी रिटर्न बॉल और आपकी विंग बॉल। ये देखेंगे आप इसमें अभी आपका जो विंग बॉल है उसके कास्टिंग का काम चल रहा है और पीछे हम लोग सॉइल फिलिंग कर रहे हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पे सिर्फ आपका ये छोटा सा आपका एक कलवर्ट बनाया गया है, तो इसमें आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हमने विंग बॉल बनाया हुआ है क्योंकि छोटा सा था तो इसमें हमें रिटर्न बॉल की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखेंगे आपका ये पैरेलल टू एम्बैकमेंट ना होकर ये आपके एक पर्टिकुलर एंगल पर बना हुआ है, तो इसको हमने क्या बोला हुआ है विंग बॉल। और इसका काम वही है जो पीछे की ये मिट्टी आ रही है इसको रोक के रखना है, नहीं तो पानी के साथ बह जाएगी तो आपका स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे आपको सेम चीज़ देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे भी क्या है आपका विंग बॉल है, ये हमारा विंग बॉल दे रखा है। और विंग बॉल के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे ये आपकी एक कट ऑफ बॉल आ रही है, ये हमारी क्या आ रही है कट ऑफ बॉल आ रही है। अभी कट ऑफ बॉल क्या होती है मैं अभी आपको बताऊँगा आगे चल के तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर देखेंगे आपकी ये कट एंड बॉल आ रही है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी क्या है कट एंड बॉल होती है, ये हमारी कट एंड बॉल होती है। तो जो भी आपके कलवर्ट्स वगैरह बन रहे हैं या फिर मल्टी सेल माइनर ब्रिजेस बनते हैं तो उसमें आप देखेंगे आप स्ट्रीम साइड होती है और एक डाउन स्ट्रीम साइड होती है, दोनों साइड में आपको कर्टन वॉल देखने को मिलती है। अब इस बात की क्या गारंटी होती है कि जो आपका वाटर फ्लो हो रहा है वो इस पर्टिकुलर कलवर्ट के अंदर से ही फ्लो हो, वाटर तो कहीं से भी फ्लो हो सकता है, वाटर को कौन रोक सकता है। तो जो आपका वाटर है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर से ही फ्लो हो तो हम अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम साइड में दोनों साइड आपका दो दो ढाई ढाई मीटर की कर्टन वॉल बनाते हैं जो कि प्योर पीसीसी का स्ट्रक्चर होता है जो कि वाटर को पास होने से रोकता है। अगर आपका पानी स्ट्रक्चर के अंदर से नहीं जा रहा है, स्ट्रक्चर के नीचे से जा रहा है, तो वहाँ पर जो सॉयल है वो अनस्टेबल हो सकती है और आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका अनस्टेबल हो सकता है। आगे देखेंगे, ये देखेंगे ये हमारी कट ऑफ बॉल है। तो हो सकता है आपने कभी देखा हो या फिर हो सकता है नहीं देखा हो। अभी कट ऑफ बॉल क्या होता है ये देखेंगे, जब भी हम कोई कलवर्ट बना रहे हैं या फिर मल्टी सेल माइनर ब्रिज बना रहे हैं तो उसके चारों तरफ हम एक बॉल बनाते हैं जो कि सीपेज की प्रॉब्लम को कम करती है। ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे सीपेज की समस्या ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं अपना स्ट्रक्चर बनाने से पहले उसके चारों साइड एक हम बॉल बना लेते हैं आपका आरसीसी का, और उसके अंदर फिर हम अपने कलवर्ट को या फिर मल्टी सेल माइनर ब्रिज को बनाते हैं ताकि सीपेज की प्रॉब्लम कम हो जाती है, ताकि पानी आपके स्ट्रक्चर के पानी स्ट्रक्चर के अंदर से जाए नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी स्ट्रक्चर के नीचे से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपके राफ्ट के नीचे से पानी फ्लो हो रहा है तो सारा सॉइल अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम चारों साइड से क्या करते हैं आपका एक बॉल प्रोवाइड करते हैं जो कि आपका कट ऑफ बॉल कहलाता है इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी बॉल्स हैं जो कि मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम इनको डिटेल में डिस्कस करें जो भी ये बॉल्स वगैरह हैं या फिर अभी हम जो आगे डिस्कस करने वाले हैं आपकी आरी बॉल हैं, तो इन सबको हम प्रॉपर ड्राइंग के थ्रू इसका प्रॉपर साइट एग्जीक्यूशन, इसका कॉन्क्रीट वर्क, अर्थ वर्क, इसका बार बेंडिंग शेड्यूल डिस्कस करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। और आने वाले सेशंस में तो फिर आपको वो चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, हम उस पर काम कर रहे होंगे। तो ये आपका कट ऑफ बॉल, इसके बीच में देखेंगे हमने आपको ये पाइप्स लगा रखे हैं पीवीसी के। ये पाइप्स इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि नीचे अगर कभी पानी आता है तो पानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर आ जाए और सारा पानी आपका ड्रेन आउट हो जाए। तो ये इस तरह से ये पूरा अरेंजमेंट होता है आपका कट ऑफ बॉल का। और जो भी आपका कलवर्ट बनेगा मल्टी सेल माइनर ब्रिज का वो सब इसके अंदर बनेगा। बात समझ आ रही? अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके आरी बॉल्स वगैरह बारे में। आरी बॉल आपने बहुत नाम सुना होगा आरी बॉल, तो आरी बॉल क्या है आपका रीइंफोर्स अर्थ बॉल होता है, ये रिटेनिंग बॉल नहीं होता है। बहुत सारे लोग समझ रहा होता है ये रिटेनिंग बॉल नहीं है, आपका आरी बॉल है। अभी तक हमने जितनी बॉल्स डिस्कस की तो मोस्टली तो आपकी रिटेनिंग बॉल का ही काम कर रही थी, लेकिन जब हम चीज़ों को बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं तो नॉर्मली हम उसको रिटेनिंग बॉल का नाम देते हैं। आप बेसमेंट वगैरह हम देखेंगे तो सॉइल को रोकने के लिए हम लोग बॉल वगैरह बना रहे होते हैं जो कि आपका आरसीसी का है, फिर ब्रिक मशीनरी का होता है, तो हम उसको रिटेनिंग बॉल बोल देते हैं। लेकिन वही काम वो ब्रिज में आके करती है सॉइल को रोकने का, ठीक है ना, तो उसको हम वहाँ पर रिटर्न बॉल बोल देते हैं या फिर आपका विंग बॉल बोल देते हैं। ठीक है, या फिर इसके बाद आप देखेंगे आपकी आरी बॉल्स हैं, तो ये आरी बॉल्स रिटेनिंग बॉल ना होकर इसको हम बोलते हैं रीइंफोर्स अर्थ बॉल। तो जो आपकी आरी बॉल होती है वो आपकी दो तरह की होती हैं, एक आपका पैनल वाला आरी बॉल होता है और दूसरा आपका ब्लॉक वाला आरी बॉल होता है। तो दोनों को मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अब ये आरी बॉल हम कहाँ पे बनाते हैं, जो आपके बिल्टअप एरियाज होते हैं, बिल्टअप एरियाज में आपका जो फ्लाईओवर बन रहा है, आपके आरओबी वगैरह बन रहे हैं, रोड ओवर ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये आरी बॉल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। बिल्टअप एरिया मतलब किसी शहर किसी टाउन के अंदर जहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे कोई अगर आपका फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है, कोई आरओबी वगैरह बन रहा है, रोड ओवर ब्रिज, तो उसके दोनों साइड आपकी रोड होती है, सर्विस रोड वगैरह होती है, तो उतना स्पेस नहीं होता है,
तो चीज़ों को कन्फाइन करने के लिए हमें आपकी रेनफोर्स अर्थ बॉल प्रोवाइड करनी होती है, जो कि आपको पैनल के फॉर्म में या फिर आपके ब्लॉक के फॉर्म में आपको देखने को मिल रही होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स है, इस पर भी हम आने वाले सेशंस में बात डिटेल में कर रहे होंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक आपका बेसिक ओवरव्यू है। तो आप ये देखेंगे, ये आपका एक फ्लाईओवर है, तो इसके दोनों साइड जो आपका रोड होता है, हाईवे होता है, उसको स्ट्रक्चर से कनेक्ट करने के लिए हम एक पूरा अप्रोच बनाते हैं, और उस अप्रोच में जो मिट्टी आ रही है उसको हम लोग रोकने के लिए इस तरह से पैनल्स वगैरह लगाते हैं। देखेंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर है जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। ये हमारा क्या स्ट्रक्चर का काम चल रहा है, ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। अब इस स्ट्रक्चर को हमें इस रोड से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे ये बहुत सारा सॉइल आपको फिल करना पड़ेगा। अब इसी सॉइल को होल्ड करने के लिए हमें दोनों साइड इस तरह से ये आपके पैनल्स लगाने पड़ते हैं। तो ये हमारा आरई वॉल है, रीइंफोर्स अर्थ वॉल है, जिसमें हम लोग पैनल का यूज़ कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं आपके आरसीसी के प्रीकास्ट पैनल होते हैं। इसको हम लोग एक प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करके चीज़ें कर रहे होते हैं। इसका भी एक पूरा लेंथी प्रोसीजर है, इस वीडियो में तो हम कवर नहीं कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो हम आने वाले सेशंस में इसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है वो उस पर हम बात कर रहे होंगे प्रॉपर ड्राइंग के साथ में। आगे देखेंगे तो आपको आरी वॉल कुछ इस तरह से दिखाई देगा, पैनल वाला। ये देखेंगे कुछ बनने के बाद आपको इस तरह से पैनल्स वगैरह दिख रहे होंगे, जो कि आपको किसी भी बिल्टअप एरियाज में देखने को मिल जाएगा, किसी भी फ्लाईओवर और आरओबी के पास में। तो ये हमारा क्या है, पैनल वाला आरी वॉल है। वहीं पे आप देखेंगे तो ये बनने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जो कि आप अपने शहर टाउन के अंदर देखते होंगे। ये देखेंगे, ये हमारा ब्लॉक वाला आरी वॉल है, जो कि आपकी कंपनी स्ट्राटा इसने डिज़ाइन किया हुआ है। तो सेम चीज़ है, बस हम यहाँ पे पैनल की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, आपका ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे, ये ब्लॉक वाला वॉल होता है, सेम फंक्शन है, सेम काम कर रहा है। ये भी आपकी जो सॉइल है उसको रिटेन करने का काम कर रहा है आपकी अप्रोच में, ताकि रोड को ब्रिज से कनेक्ट किया जा सके। तो ये बनने के बाद इस तरह से आपको दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका मीडियन होता है, ये मोस्टली आपको एक्सप्रेसवे में देखने को मिलेगा। तो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनते हैं, तो बीच में जो आपका मीडियन आता है, कहीं पे कोई अंडरपास वगैरह है, उसकी पासिंग वगैरह है, तो उसकी जो सॉइल है उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पे ये देखेंगे, ये आपका ये ब्लॉक वाला आरी वॉल बना रखा है। ये देखेंगे, ये दोनों साइड हमारा कैरिज भी होगा, एक कैरिज भी इस साइड होगा, एक कैरिज भी इस साइड होगा। बीच में हमारी मीडियन आती है, और ये आपका डिप्रेस मीडियन है, तो उसके एट द एंड कोई आपका अंडरपास वगैरह आ रहा है, ये देखेंगे इस तरह से। तो इसकी सॉइल को होल्ड करने के लिए हमने यहाँ पे ब्लॉक वाला आरी बॉल बनाया हुआ है। तो मेन फंक्शन है आपकी सॉइल को होल्ड करना, और कुछ नहीं। तो इस तरह से चीज़ें आपको दिख रही होती हैं, ये देखेंगे इस तरह से। इसमें ब्लॉक का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपका क्या है, ये ब्लॉक वाला आरी बॉल है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आई। तो ये जस्ट ओवरव्यू है, बाकी आप चाहते हैं इन सब पे हम डिटेल में बात करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। करिए वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करिए, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।